राजस्थान के सिरोहिया बारा छिपाबडोद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय के नजदीक नेशनल हाईवे हरनावदा जागीर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 1990 के लगभग बनी बिल्डिंग, इसमें एक कमरा और रवारी है जिसकी दो पट्टियां पूरी तरह टूटी हुई हैं, जो छत में आज भी लगी हुई हैं, जिसके चलते कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। यहाँ के स्कूल में लगभग 70 से 80 के बीच कक्षा 1 से 7वीं तक के छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान समय में 3 दिन पहले ही छिपाबडोद क्षेत्र के नलखेड़ी गांव में भी क्षतिग्रस्त स्कूल की छत गिरने से स्कूल ध्वस्त हो चुका है। इसके बावजूद भी विभागीय अधिकारियों की और प्रशासन की आंखें नहीं खुल पा रही हैं और अध्ययन नौनिहालों के साथ बड़ा हादसा होने का कर रहे हैं इंतजार। इसी को लेकर ग्राम पंचायत पछाड़ के गाँव हरनवादा जागीर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं और अभिभावकों द्वारा स्कूल के मेन गेट पर लगे ताले को नहीं खोला गया। इसको लेकर स्कूल प्रशासन के द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को पूर्व में भी लिखित में अवगत करवा दिया गया है, लेकिन इस ओर आज तक किसी भी विभागीय एवं संबंधित अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं होने के कारण आज छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने अपनी समस्या को लेकर स्कूल में जड़ा ताला मांगते जो यहाँ पे ताला लगाया इस गांव में करीब 1990 की बनी हुई बिल्डिंग है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मानी जा रही है हमारे निगम में। उसको नवनिर्माण के लिए साहब से बात कर रहे हैं। आज जो ताला लगाया था, अधिकारी मौके पर पहुँचे, ताला खुलवाया, क्या आश्वासन दिया, किस आश्वासन के आधार पर आपने बोला कि हम बड़े साहब से एजेंट साहब से बात करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इस बिल्डिंग से क्षतिग्रस्त भी है और पानी के भराव की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब आप इनकी बातों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर अब क्या प्लानिंग है आगे की? आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। जी सर, क्या मामला था आज का? ये हरनावदा जागीर में आज गाँव वालों ने थोड़ा सा ये बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के लिए विरोध प्रकट किया था। हम यहाँ पर सुबह उपस्थित हो गए हैं और दिन से समझाइश का कार्यक्रम चल रहा है। अगर आसपास किसी बिल्डिंग में हमको जगह मिलेगी तो बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेकिन जो कमरा क्षतिग्रस्त है उसमें हम बच्चों को नहीं बिठा रहे। हमने पहले से ही निर्देश जारी किए हैं पूरे विद्यालयों के लिए कि बच्चों के सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाए। ऐसे अगर कोई भवन है, कल मैं अपने नलखेड़ी और रूपपुरा गांव में भी गया हूं और वहां हमने जो क्षतिग्रस्त कमरे थे उनकी स्वीकृति लेकर उनको डिसमेंटल करने की अनुमति ले ली है और हम यहां के लिए भी हम आज जेएन साहब को भेज के रिपोर्ट प्राप्त कर लेंगे और पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट प्राप्त होती है, ये कार्यवाही करते हैं। जी सर, क्या मामला था आज का? ये हरनावदा जागीर में आज गाँव वालों ने थोड़ा सा ये बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के लिए विरोध प्रकट किया था। हम यहाँ पर सुबह उपस्थित हो गए हैं और दिन से समझाइश का कार्यक्रम चल रहा है। अगर आसपास किसी बिल्डिंग में हमको जगह मिलेगी तो बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेकिन जो कमरा क्षतिग्रस्त है उसमें हम बच्चों को नहीं बिठा रहे। हमने पहले से ही निर्देश जारी किए हैं पूरे विद्यालयों के लिए कि बच्चों के सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाए। ऐसे अगर कोई भवन है, कल मैं अपने नलखेड़ी और रूपपुरा गांव में भी गया हूं और वहां हमने जो क्षतिग्रस्त कमरे थे उनकी स्वीकृति लेकर उनको डिसमेंटल करने की अनुमति ले ली है और हम यहां के लिए भी हम आज जेएन साहब को भेज के रिपोर्ट प्राप्त कर लेंगे और पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट प्राप्त होती है, ये कार्यवाही। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।